मुझे कोरोना वायरस कैसे हो सकता है? आपको कोरोना वायरस ऐसी वस्तु या सतह को छूने से हो सकता है जिसे कोरोना वायरस से संक्रमित अन्य लोगों ने स्पर्श किया हो। फिर जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तब वायरस आपके शरीर में प्रवेश करके आपको बीमार कर देता है। अपने हाथों को धोकर कोरोना वायरस को रोके। पहले अपने हाथों को स्वच्छ बहते हुए गुनगुने या ठंडे पानी से भिगोए और साबुन लगाए। उसके बाद दोनों हाथों को साबुन के साथ आपस में मलते हुए झाग बनाए। अपने हाथों के पीछे, अपनी उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के नीचे झाग बनाए। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। उसके बाद अपने हाथों को स्वच्छ बहते हुए पानी के नीचे धोएं। अंत में तौलिया या शुष्क हवा के द्वारा अपने हाथों को सुखाएं। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। कीटाणु हमारे हाथों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तेल से चिपक जाते हैं। केवल पानी सभी कीटाणुओं को दूर नहीं कर सकता है, परंतु जब आप अपने हाथों को साबुन से धोते हैं तब साबुन पानी और तेल दोनों को एक साथ बांध देता है। उसके बाद जब आप अपने हाथ धोते हैं तब साबुन पानी के साथ कीटाणुओं को बहा ले जाता है। हाथ धोना कीटाणुओं के फैलने को रोकता है। जब आप अपने हाथ धोते हैं तब आप स्वयं और अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। पानी नहीं है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो आप अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। पहले हैंड सैनिटाइजर को एक हाथ की हथेली पर लगाएं। दोनों हाथों को आपस में मलें। उसके बाद जेल को अपने हाथों और उंगलियों के सभी सतहों पर अच्छे से मलें, जब तक आपके हाथ सूख ना जाएं। इसमें लगभग 20 सेकंड लगेगा। जून 2020 तक उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे सामान्य तरीका कोविड-19 से संक्रमित लोगों की सांस की बूंदों को सांस से अंदर लेना है। इस वायरस से संक्रमित होने का एक और सामान्य तरीका वायरस द्वारा दूषित वस्तु या सतह को छूने के बाद अपनी नाक, आंख या मुंह को छूना है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने या चेहरा ढके, अपने हाथों को धोएं, सार्वजनिक स्थानों में दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।